निकालो। तो पिछला क्लास कुछ लोग आए नहीं, बाकी लोग आए, देखे पूरा प्रोबेबिलिटी एक ही एक्सरसाइज में है और उस एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन जो है वो दिन बता दिया है टोटल क्वेश्चन। तो आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे नहीं होगा क्लास की एक दिन आ रहे हैं दो दिन नहीं आ रहे हैं, इस तरह से एक ही एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हो गया तो निकालो, फिर बुक निकालो, एनसीईआरटी का ही निकालो। अरे आज नहीं लाए, तो साइबुक में भी अभी ऑप्शनल का जो क्वेश्चन है उसमें दो तीन अच्छा क्वेश्चन हो तो करेंगे ना, जो कुछ क्वेश्चन बराबर निकालो, जो लोगों का है निकालो, फिर बाकी मैं लिखवाता हूँ। नाचो नहीं, चलो पेज 311 एक्सरसाइज 15.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर वन, बुक है मतलब इधर उधर इधर कहीं नहीं है, लिख लो टू कस्टमर्स, वन है टू कस्टमर, श्याम एंड एकता, लड़का लड़की है, टू कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप, दोनों एक ही दुकान पे जा रहा लगातार, लगता है कुछ गड़बड़ है क्यों प्रतीक तुमको तो पता हो, पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, वीक भी सेम है बट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मतलब डेट सेम नहीं होगा, इन द सेम वीक, लेकिन ट्यूजडे टू सैटरडे है बस, मंगलवार से शनिवार, ठीक है। ईच इज इक्वली लाइकली मातली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे, गाली गलौच नहीं, आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसमें परसों वाले दिन लास्ट क्लास में सैंपल स्पेस लिखना सिखाया गया था, उन सबका काम पड़ेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप, यार इतना बात कौन करता है, हम लोग ऑन पहला क्वेश्चन सेम डे, कंसेक्यूटिव डेज, डिफरेंट डेज, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मतलब लैंग्वेज समझने के हिसाब से, लैंग्वेज समझने का ट्राई करो, लैंग्वेज समझ में आ गया तो बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए परसों समझाया गया था कि वी नीड टू राइट इट्स सैंपल स्पेस, इन सारे क्वेश्चंस में जब तक आपका सैंपल स्पेस इन सारे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट सैंपल स्पेस जब तक क्लियर नहीं है आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। कुछ लोग पीछे से देख करके आंसर बताते रहे उससे कोई फायदा नहीं होगा, ट्यूजडे टू सैटरडे, तो इसका सैंपल स्पेस डाइस वाला देखे थे कैसे लिखे थे, इधर 1 2 3 4 5 6 उधर 1 2 3 4 5 6 इधर भी लिखना पड़ेगा, श्याम और एकता का है ट्यूजडे टू सैटरडे है ना, तो इधर ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और इधर ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो दोनों का सैंपल स्पेस कैसे बनाया, ट्यूजडे ट्यूजडे अरे समझ में, ट्यूजडे वेडनेसडे ट्यूजडे थर्सडे ट्यूजडे फ्राइडे ट्यूजडे सैटरडे वेडनेसडे ट्यूजडे वेडनेसडे 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 थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे वेडनेसडे सैटरडे, कुछ भी मान लो, ये श्याम का मान लो, ये एकता का मान लो, चलेगा ना। फिर थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे 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 फ्राइडे थर्सडे सैटरडे फ्राइडे ट्यूजडे, ऐसे है सबको आ रहा ना समझ में, इसका फ्राइडे तो इसका वेडनेसडे, इसी को सैंपल स्पेस बोला जाता है, इसका फ्राइडे तो इसका थर्सडे,
इसका फ्राइडे तो इसका फ्राइडे, ये फ्राइडे में है तो एकता सैटरडे को आ रही है, अब ये सैटरडे श्याम, एकता ट्यूसडे को, फिर एस डब्ल्यू, फिर एस टी एच, फिर एस एफ, फिर एस एस, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया 25, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस दिस इज 25। अब क्वेश्चन बनाते हैं, पहला क्वेश्चन है दोनों सेम डे को पहुंचा मीटिंग करने, मीटिंग नहीं कपड़ा खरीदने, तो देखो सेम डे मतलब कौन कौन सा हुआ इसमें, जीनो सेम डे कौन कौन सा, ये है ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी इज नॉट अबाउट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ये तो तुम समझो, मैं बताया आंसर में क्या आ रहा है, इसका मतलब नहीं कितना आ रहा है इसका मतलब है, तो दिस इज 5, टोटल 25, दिस इज 1/5, अब कंसेक्यूटिव डेज, इसे गिनना पड़ेगा, गिनो कंसेक्यूटिव डे का मतलब आप लोग समझ ही रहे, स्टिक को मैं मिटा दूं, इसका तो हो गया उपाय, अब बताओ इसमें देख देख लगातार दिन का मतलब क्या होता है, इसमें ट्यूजडे वेडनेसडे हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है, नीचे वाले में वेडनेसडे ट्यूजडे भी हो सकता है, ये भी अल्टरनेट हुआ कंसेक्यूटिव, और इसमें वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, इसमें दो हो गया, इसमें थर्सडे वेडनेसडे दो लगातार दिन हो रहा है ना, और थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, इसमें फ्राइडे थर्सडे भी हो सकता है, और फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, और इसमें सैटरडे फ्राइडे एक ही दिन हुआ ना, इसमें एक दिन, तो कितना हो गया ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज 8/25, तो रही बात डिफरेंट डेज की, अलग अलग दिन, तो ये तो सीधा सा बात है, अगर सेम डे 5 दिन था तो अलग अलग दिन कितने दिन हो जाएगा, सेम दिन अगर 5 था तो बाकी जो 20 बचा वो अलग अलग हुआ, 20/25, ब्रिलियंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, शायद टेस्ट में नहीं आया क्योंकि ऑप्शनल का है, शायद शायद टेस्ट में नहीं आए क्योंकि ऑप्शनल का है, बट वो अलग बात है, प्रोबेबिलिटी इज नॉट अबाउट कौन सा ऑप्शनल का है, कौन से बुक का है, जैसे डाइस वाला क्वेश्चन था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये डेज वाला क्वेश्चन है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 3 करो, ऑप्शनल का 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 2 एक्चुअली मैं कर चुके हैं पीछे, क्वेश्चन नंबर 22 था एक्सरसाइज का, पहले किए थे ना, फिर से नहीं करेंगे, ठीक है, अ बैग कंटेन्स फाइव रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, अच्छा ये मैथ्स का सिलेबस खत्म अपना, नहीं टोटल हो गया सारा का, कोई बच नहीं ना रहा है पीछे आगे का, इफ द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, बैग कितना बता रहे हो, ठीक बना के देखो, इसमें क्या क्या करेंगे, एक बैग है उसमें कुछ लाल बॉल है कुछ ब्लू बॉल है, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स को जो संख्या है वो ले लेते हैं हम लोग एक्स, और रेड बॉल तो दिया हुआ है 5, तो टोटल बॉल कितना हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, ब्लू बॉल का एक्स बाय टोटल कितना है एक्स प्लस 5, और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/5 + x, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ
ब्लू बॉल ये जो एक्स बाई एक्स प्लस फाइव है ये डबल है मतलब ट्वाइस है दैट ऑफ अ रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी का, फाइव बाई फाइव प्लस एक्स, ये दोनों कट जाता है, ये जो एक्स है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स दैट इज 10 ब्लू बॉल्स। थोड़ा लिख के बनाना, ये आया हुआ एग्जाम में कई बार, कुछ लोग साल भर में सिर्फ मजाक किए पढ़ाई नहीं किए हैं, उनको ये भी मालूम नहीं है कि ऑप्शनल में जो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात नहीं है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है हर चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर के प्रोबेबिलिटी से लेकर के वो जो पहला चैप्टर रियल नंबर का, उन सबसे जो मेजर क्वेश्चन है वो ऑप्शनल में ही दिया हुआ है, तो इस चक्कर में मत रह जाएगा कि ऑप्शनल वाला नहीं आ रहा है, आपको स्पेसिफिक सिलेबस दिया हुआ है सीबीएसई का क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये वाला ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज नहीं आ रहा है ना, टॉपिक दिया हुआ है जो नहीं आ रहा वो मत पढ़ो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑप्शनल का क्वेश्चन नहीं आएगा, हर बार तो उसी से आता है, जैसे ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग वो सब जो पढ़े थे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इस बार नहीं आ रहा वो एक अलग बात है, नहीं तो हर बार तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से लेकर के बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही चैप्टर में रियल नंबर में सब जो मेजर क्वेश्चन है वो तो उसी चैप्टर में ऑप्शनल में ही दिया हुआ है ना, तो थोड़ा ध्यान से बनाना, जो टॉपिक दिया हुआ है कि आ रहा है उसको पढ़ो, जो नहीं दिया वो मत पढ़ो, एक्सरसाइज ही अपने से मत डिसाइड कर लो कि ये हम पढ़ेंगे ये हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स, टोटल 12 बॉल है, एक्स ब्लैक है, टोटल 12 ब्लैक एक्स है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, एक्स बाई 12, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, अब कुछ कुछ और बोला 6 मोर ब्लैक बॉल ही पुट करना है, अब केस 2 में ये केस 1 का हो गया, केस 2 में 6 और ब्लैक बॉल ही डाले तो टोटल बॉल कितना हो गया 18, उसमें ब्लैक बॉल कितना हो गया, एक्स पहले से था उसी में 6 डाले तो एक्स प्लस 6 हो गया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो गया, एक्स प्लस 6 बाई 18 ये हो गया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो नया वाला प्रोबेबिलिटी है एक्स प्लस 6 बाई 18 वो पहले वाला जो प्रोबेबिलिटी आ रहा था उसका कितना है, उसका डबल है, मतलब पहले एक्स बाई 12 आ रहा था तो इसका डबल है, तो 2 इंटू एक्स बाई 12 आ रहा है, तो अब काट कूट करना होगा, ये कट गया 6 बार में, ये कट गया 3 बार में, तो एक्स प्लस 6 बराबर 3x, भाई कौन है क्या करने मास्क के लिए थोड़ी रो रहा है, मास्क के लिए थोड़ी रो रहा है, क्या हो गया, अरे एम्स का एग्जाम दिया, इसका रैंक 92 है इंडिया में, इसलिए रो रहा है, 90 के अंदर नहीं मिल पा रहा है एम्स दिल्ली, दैट्स व्हाई ही इज क्राइंग, 92 है, अब ये जाएगा दूसरे एएफएमसी पुणे वगैरह में जाएगा, एम्स दिल्ली में नहीं, दैट्स व्हाई ही इज क्राइंग। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, 8, अच्छा बनाओ बनाओ, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, टोटल 24 है, ए बात नहीं श्रेया बुक में तो देख के बताओ कुछ करें, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, टोटल 24 है, कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, फाइंड द नंबर ऑफ, अच्छा ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स हो जा, अच्छा टोटल 24 है, टोटल मार्बल्स है 24, तो ग्रीन को एक्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, अरे कुछ कुछ मान लेते हैं, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स एक्स हो गया ना, और नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितना हो जाएगा, मार्बल है कि बॉल है कुछ भी लिखा हुआ है, क्या बॉल, 24 माइनस एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रीन का प्रोबेबिलिटी कितना बना, ग्रीन का बना एक्स बाई 24 और इसका वैल्यू दिया हुआ था 2/3, तो इससे कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया 16, और एक्स क्या था हमारा, एक्स था ग्रीन मार्बल्स, तो ब्लू बॉल्स टोटल 24 था, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स
ब्लू मार्बल्स 24 माइनस एक्स या 16 दिस इज 8। तो यहां पर एनसीईआरटी से प्रोबेबिलिटी खत्म। एक एक क्वेश्चन जरूर से बना लेना प्रोबेबिलिटी। जो लोग को मैथ्स उतना पसंद नहीं है, जिन लोग आगे मैथ्स नहीं ऑप्ट करना है, तो भी आप लोग देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आर वेरी इजी चैप्टर्स। आगे नहीं ऑप्ट करना है मत ऑप्ट करना, बट अभी जो आपका स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन ये सब आसान चैप्टर है, कम से कम उन सब का तो आराम से तैयारी कर लो, ठीक है। और हेलो जार कंटेंस 54 मार्बल्स, 54 मार्बल है, कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है, कुछ व्हाइट है। ब्लू मार्बल का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, या सीधा एक ही बार में व्हाइट भी निकाल सकते हैं, लेकिन सब निकाल लेते चलो। ब्लू मार्बल को अगर एक्स मान लेते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितना हो जाएगा, एक्स बाय 54, इसका वैल्यू दिया हुआ था 1/3, therefore x बराबर कितना हो गया 18। तो ब्लू मार्बल है 18, एक ही बार में निकल जाता बट सारा निकाल ले रहे हैं। लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स को मान लेते हैं y, then प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितना हो जाएगा y बाई 54, इसका वैल्यू दिया हुआ था 4/9, ये कितने बार में कटता है, तो y बराबर 24। तो अगर ब्लू मार्बल 18 है और ग्रीन मार्बल 24 है, 24 18 42 हो गया, therefore नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितना हो जाएगा, टोटल था 52 था ना, 54 था, में से 18 प्लस 24 दिस इज 12 व्हाइट मार्बल्स। डायरेक्ट भी निकल सकता था, 1/4/9 को 1 से माइनस करके उससे, बट ये भी ठीक है, ऐसे भी बना सकते। तो कार्ड वाला आप लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देख रहे हो कि कार्ड वाले में ही एग्जाम में आने का चांसेस है। तो कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, लिखो पहला ब्लैक किंग है, दूसरा आइदर अ ब्लैक और अ किंग है, तीसरा ब्लैक एंड अ किंग है, चौथा है जैक, क्वीन और किंग, नाइदर अ हर्ट, ये थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग, न हर्ट न राजा, स्पेड और एन एस, नाइदर एन एस, ये बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर अ किंग, Neither a red card, nor a queen. So 25 क्वेश्चन एक एक करके शुरू करता हूं, अभी कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहले इसको बनाएंगे, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर बताएगा। अपना अपना सैंपल स्पेस निकाल लो, अगर सैंपल स्पेस नहीं है तो देखो सैंपल स्पेस और आंसर बताने का ट्राई करना, इसका क्या है और मतलब यार है, एंड मतलब वो दोनों साथ में होना चाहिए, लाल राजा लाल या राजा दोनों चीज अंतर है, अभी फिर से बताऊंगा ट्राई करो। पहला ब्लैक किंग, दूसरा है आइदर अ ब्लैक और अ किंग, तीसरा है ब्लैक एंड अ किंग, चौथा है जैक क्वीन और किंग, पांचवा है नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग, छठा है स्पेड और एन एस, सातवां है नाइदर एन एस नॉर अ किंग, और आठवां है नाइदर अ रेड कार्ड नॉट नॉर अ क्वीन, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ब्लैक राजा का कौन बताएगा, तू बता प्राची, ब्लैक राजा पहले वाले का आंसर सीधा हम लोग लिख देते हैं, आंसर सबका लिख देते हैं, ठीक है। तो काला भी है और राजा भी है, ऐसा कितना कार्ड है, दो है, दिस इज 2/52, दिस इज 1/26, अपना अपना सैंपल स्पेस देख लो, अगर लगेगा कंफ्यूजन हो तो देख देख के करो बट करो। दूसरा काला या राजा, काला या राजा परसों ही बताया था, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, काला या राजा है, काला या राजा परसों बात हुआ है इसमें, प्रीति बताओ काला या राजा, 98
28/52 ठीक है, काला कितना है 26, 26 में तो दो राजा निकल गया, अभी दो राजा और बाकी है, दिस विल बी 28, मतलब 26 राजा काले का है, इसमें दो राजा निकल गया, बट लाल का भी तो दो राजा हो सकता है और किंग है, समझ रही तू? नहीं समझ रही है, या वाला बात है, या इंग्लिश में और हिंदी में या, काला या राजा, तो काला कार्ड कितना होता है 26 तो काला कार्ड है, बट अभी राजा और कितना बचा, चार होता है, बट चार में से तो दो राजा इस काले में निकल ही गया है, तो और दो बच रहा है, तो ये प्लस हो गया और टोटल जो है वो 52 हो गया, तो ये 28/52 हो गया। नहीं एंड वाले में कैसा होगा, अगला क्वेश्चन है, पर देख लेते हैं, 26+2 दिस इज 28/52, दिस इज 7/13। अब तीसरा नंबर हमें बताएगी पपीता, काला राजा है ये, काला या राजा नहीं, काला राजा, काला कलर का है और राजा भी है, काला भी है और राजा भी है, ऐसा कितना है, ऐसा सिर्फ दो है, काला राजा दो है, काला या राजा 28 है, बट काला राजा केवल दो है, है ना, एक स्पेड का और एक क्लब का, है ना, तो दिस इज 2/52, ये फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दिस इज 1/26। डी नंबर है जैक, क्वीन और किंग, अपना अपना आप लोग सैंपल स्पेस निकाल लो, सैंपल स्पेस निकाल लो बच्चों, सैंपल स्पेस ही गलत कर दोगे तो क्वेश्चन क्या ही बनाओगे, 12/12 इससे पूछा जा रहा है, वो बताएगा इससे पूछा जा रहा है, जैक क्वीन और किंग, निक्की तू बता, जैक क्वीन और किंग, क्या परेशान है, थ्री बाय 52 कैसे, जैक कितना होता है जैक, अरे सबका नाम निक्की है, चार और फिर क्वीन, तो आठ तो ऐसे ही हो गया, और किंग भी फोर है, तो 12 ना हो गया, चार या आठ या सब में या एंड होता तो तब अलग बात होता, ऐसे दिस इज 12/52 कितना होता है, ये 3/13, 12/52 ठीक है। इसके बाद है हमारा नाइदर हर्ट, राजा नहीं, क्या है, दिल भी नहीं राजा भी नहीं, नाइदर हर्ट नॉर अ किंग, बताओ कितना हो सकता है, छत्तीस बाय 52 कैसे, क्या क्या हर्ट कितना हो गया, तो 13 तो ऐसे ही नहीं लेना है, हाँ ठीक है ठीक है, तो 13 तो ऐसे नहीं लेना, हर्ट 13 होता है और राजा नहीं लेना है, तो राजा चार होता है, उसमें से एक राजा तो हर्ट वाला ही है, तो हर्ट वाला छोड़ भी दो तो तीन राजा और बच रहा है, उसको नहीं लेने का है, तो 13 3 16 को नहीं लेना है, 16 को नहीं लेने का मतलब कितने को लेना है, 36 को लेना है, अरे आ रहा है सब समझ में, बढ़िया क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस अगर ठीक से क्लियर है तो बनेगा, नहीं आता तो नहीं बनेगा। अब स्पेड या जिसे पूछूंगा वही, स्पेड या इक्का, स्पेड या इक्का, स्पेड या इक्का चाहिए, स्पेड या इक्का कौन बताएगा हमें, प्रिया जी आप बताइए, स्पेड या इक्का, स्पेड होना चाहिए या इक्का होना चाहिए, नहीं आपका नाम थोड़ी है प्रिया, नहीं स्पेड और एन एस कितना आया, रुको रुको, स्पेड और एन एस सोच ही रही है, कैसे हो बोलो, 16/52 कैसे, स्पेड कितना है, हो स्पेड का 13 और 13 में से एक एस निकल गया, बाकी तीनों का एस बाकी है, 13 3 16 16/52 दिस इज 4/13 बुक में इसका 4/13 ना, बुक में आंसर गलत दिया, इसका 9/13 आंसर दिया, 9/13 खैर नॉट होता ना, लेकिन है क्वेश्चन एफ का है ना, नहीं क्वेश्चन में स्पेड और एनएस ही लिखा हुआ, बट आंसर 9/13 गलत है ना, गलती है। इसके बाद जी नंबर क्वेश्चन मिलाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 9
है ये आंसर किस किस पे गलत है। नाइदर एन एस नॉर अ किंग, जिसे पूछूंगा वही चश्मा चश्मी तू बता कितना 40। अरे सबका नाम चश्मे 44/52 कैसे नाइदर एन एस, एस नहीं होना चाहिए, एस कितना नहीं होता है, एस चार नहीं है और राजा भी नहीं चाहिए, चार राजा भी नहीं चाहिए, चार चार आठ नहीं चाहिए, आठ छोड़ देंगे तो कितना बच गया 44/52 दिस इज 11/13 है ना जी एच, किसी का सही है किसी का गलत। नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन, इसका बताओ अजर 6/13 मतलब 24/52 तो लाल नहीं, तो लाल कितना कार्ड होता है 26, दो क्वीन उधर निकल गया, 28 नहीं लेने का, 26 नहीं लेने का, क्वीन मतलब दो ही एक्स्ट्रा बची, दो तो इसमें रेड में ले चुके हैं, 28 नहीं लेने का, तो लेने का कितना है फिर 24/52 तो दिस इज लाइक 6/13 आपका उल्टा पुल्टा था इसका 7/13 क्या हाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा दे दिया ठीक है। बाकी सब तो इसमें वैसे में भी आसान है, बाकी सब सिंगल सिंगल वाला है तो हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन लिखो यहाँ पर खत्म ये चैप्टर, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, सही गाना नहीं, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, इसका रोडनिक रोनिक ये कौन सा सिंगर है, रोनिक बस निक एन आई के सिंगर है बहुत, तो ये पबजी जो खेलता उसी का गाना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कोई भी सिंगर आज के जो नहीं, मैं तो नाम ही नहीं सुना, निक बहुत बड़ा सिंगर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इसीलिए तुम लोग का पढ़ाई लिखाई में ध्यान कोई भी आ रहे, हम लोग एक दो बड़ा सिंगर बजाते हैं लता मंगेशकर आशा भोसले, तुम लोग किसी को पहचान ले रहे हो नी ची को और क्या क्या बता नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4, अभी पढ़ लो बाद में तुम लोग पहचानना। एक कौन है, कौन है, एलन वॉकर कौन है, वो देश वाला है, विदेशी है, नॉट नॉर्वे का सिंगर को जानते हो, बात कर नॉर्वे का सिंगर को जानते हो तुम लोग, नॉर्वे नॉट नॉर्वे का राजधानी बताओ तुम लोग, नॉर्वे का राजधानी बता दे तुम लोग, उसका सिंगर लेके तुम क्या कर रहे हो, ओस्लो है यार बताओ, ये जब कैपिटल नहीं पता उसका सिंगर जानते हो। ए चलो बनाओ, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, find the probability is a find the probability that the number selected is a multiple of 3 and 4, kitna 3 and 4 hai, 3 and 4 nahi, 3 se bhi hona chahiye aur 4 se bhi hona chahiye, matlab kis se hona chahiye 3 and 4 to 12 ka multiple hona chahiye, to 3 and 4 matlab 12 ka multiple kaun kaun sa hoga, 4 ek 12 hoga, ek 24, ek 36 और 48, यही चारों ना, बस इसी और होगा बस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब ये कौन देश का सिंगर है, ये जर्मनी 4/50 ठीक है, तो बस यहां पर हो गया प्रोबेबिलिटी खत्म।
पहले आप लोग एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बना लेना, परसों वाले वीडियो में केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, पहले एनसीईआरटी वाला बना लेना, बाकी हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस जो है वो हो गया कंप्लीट 10th क्लास का।